हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों कल एक मैंने वीडियो डाला था, आप सबने उसे बहुत ही पसंद किया और मैं कोशिश करूंगा कि समय समय पर लीगल के अलावा इस तरह के प्रैक्टिकल वीडियोज भी आपके लिए लाया करूं। आज का मेरा ये वीडियो बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जजमेंट पर आधारित है। इस जजमेंट के अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्नी को जारी किए गए मेंटेनेंस ऑर्डर को खारिज कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का ऑर्डर नहीं दिया जाना चाहिए, स्पेशली तब जब सेक्शन 9 की डिक्री हस्बैंड के फेवर में आई हो, तो इस प्रकार के मेंटेनेंस ऑर्डर का कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने कंसल्टेशन में भी कई लोगों को बताया है कि सेक्शन 9 का उनको क्या क्या फायदा होता है, सेक्शन 9 पे कई सारे वीडियोज भी बनाए हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि क्या हमें सेक्शन 9 डालना चाहिए या फिर डाइवोर्स का केस सेक्शन 13 डायरेक्टली फाइल कर देना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो उनकी कंफ्यूजन भी बिल्कुल दूर कर देगा और आपको बताएगा कि आप वाइफ को रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते, लेकिन सेक्शन 9 आपको बाकी के मुकदमों में किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो लेके आऊं, कोई जजमेंट लेकर के आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस जजमेंट को। दोस्तों इस केस में जब उनकी बेटी हुई, यानी कपल के यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के यहाँ पर उनकी मैरिटल रिलेशनशिप जो थी उससे बेटी उनको हुई, तो बेटी होने के बाद जो वाइफ थी वो अपने पेरेंटल होम में चली गई और वापस अपने ससुराल उसके बाद नहीं आई। अब हस्बैंड ने पहले स्टार्टिंग में उसको नोटिस भेजे, कुछ नोटिस जारी किए, लेकिन बात नहीं बनी, तो उसके बाद उसने सेक्शन 9 का केस फाइल कर दिया कि वो उसकी बेटी को लेकर के वापस उसके मैट्रिमोनियल होम में आ जाए। लेकिन इसके बावजूद भी वाइफ वहां पर नहीं आई, तो सेक्शन 9 का केस चला और फाइनली जो सेक्शन 9 का केस था वो हस्बैंड के फेवर में आ गया। हालांकि वाइफ ने एलिगेशंस लगाए थे कि भाई वो इसलिए गई है क्योंकि उसके साथ क्रूरिटी की जाती है, मेंटल टॉर्चर उसको दिया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है, लेकिन कोर्ट ने इन सब चीजों को नहीं माना। कोर्ट को लगा कि ये सारे एलिगेशन झूठे हैं और जो सेक्शन 9 की डिक्री थी वो हस्बैंड के फेवर में आ गई। दोस्तों इसके बाद जो वाइफ थी उसने कोर्ट में एक एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र लगाया, उसने कहा कि जो उसके साथ टॉर्चर हुआ है और जो सारी गलत चीजें हुई हैं उसकी तरफ सेक्शन 9 की डिग्री को देते हुए ध्यान नहीं दिया गया है और उसने अपने लिए 2500 यानी 2500 पर मंथ मेंटेनेंस की डिमांड करी, अपनी बेटी के लिए 3000 पर मंथ मेंटेनेंस की डिमांड करी, जिसे कोर्ट ने अलाउ कर दिया। लेकिन दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहाँ पे पूरे तरह से मामले की छानबीन करी, सारे तथ्यों को देखा, सारे फैक्ट को देखा और सारे फैक्ट को देखने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी करी वो आप सब लोगों के काम आ सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लियर ये कहा कि यदि सेक्शन 9 की डिग्री हस्बैंड के फेवर में आ गई है तो इसका मतलब है कि कोर्ट ने वाइफ को यह ऑर्डर किया है कि वो वापस आकर हस्बैंड के साथ रहे और अपनी जिंदगी निभाए, और जब उसे वापस आने का ऑर्डर है तो हस्बैंड उसका मेंटेनेंस उठाएगा ही। तो ऐसे में अलग से यदि वाइफ मेंटेनेंस मांग रही है तो इसे ऐसा माना जाएगा कि उसकी इंटेंशन हस्बैंड के साथ रहने की नहीं है, और दूसरी तरह से इसे देखें तो इसे ऐसा माना जाएगा कि जो वाइफ है वो कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि केवल यह हो सकता था कि यदि सेक्शन 9 की डिग्री हस्बैंड के फेवर में ना जाकर के वाइफ के फेवर में आई होती तो इस बात का कोई लॉजिक था कि वो मेंटेनेंस मांगती अपने लिए और अपनी डॉटर के लिए क्योंकि उसको अलग रहना था, लेकिन जब डिग्री हस्बैंड के फेवर में आई है, वाइफ को ये ऑर्डर हुआ है कि वो हस्बैंड के साथ जाके रहे, तो ऐसे में मेंटेनेंस का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने वाइफ को जो 2500 पर मंथ का मेंटेनेंस का ऑर्डर किया गया था उसको सेट असाइड कर दिया, उसको खारिज कर दिया और ये कहा कि वाइफ किसी भी तरह का मेंटेनेंस लेने के लिए अधिकारिणी नहीं है, लेकिन डॉटर को जो मेंटेनेंस दिया जा रहा था उसमें कोर्ट ने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और वो लोग जिनके मन में ये डाउट है कि भाई हमें सेक्शन 9 डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, तो यहां मैं आपको बता दूं यदि आप वाइफ को नहीं भी रखना चाह रहे हैं तो भी उस केस में आप सेक्शन 9 डालिए, क्योंकि सेक्शन 9 डालने से कोर्ट को ये पता चलता है कि आप अपनी वाइफ को रखना चाहते हैं, आप उसका मेंटेनेंस देना चाहते हैं, आप अपने बच्चे का मेंटेनेंस देना चाहते हैं। डायरेक्ट डाइवोर्स अगर आप डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं जाता है, लेकिन जब सेक्शन 9 की डिग्री एक बार आपके फेवर में आ जाती है तो इस डिग्री को फिर आप मेंटेनेंस के केस में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जजमेंट श्रीमती मंजू कमल मेहरा वर्सेस मिस्टर कमल पुष्कर मेहरा के नाम से दिया गया है। इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।